वाह जी वाह, क्या बात है, क्या मस्त माहौल है। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो यार आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक छोटा सा राइड में चला जाऊँ, क्योंकि मुझे गोप्रो चेक करना है हेलमेट में लगा के, बट वो भी उधारी का। जी हाँ, मैं उधारी का हेलमेट लेके जाने वाला हूँ। अभी मेरा फ्रेंड है आसू, उसके पास वो फुनतुड़ो वाला सिस्टम है आगे लगा हुआ है। क्यों ना मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके ट्राई कर लूँ। तो चलता हूँ एक बार आसू के पास, चलता हूँ मांगने उधारी का हेलमेट। तो यार मैं एकदम रेडी हो गया हूँ अब जाने को, और बस यही दिक्कत है वो हेलमेट मेरा यार फुनतुड़ा सिस्टम आगे नहीं है ना, तो मुझे ऐसी धक्का मार मार के नहीं ये वाले शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं बेवकूफ़ की तरह। तो यार मैं आशू के घर के बाहर आ गया हूँ, और इसके घर के बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है। आशू ने कहा था कि जब मेरे घर के बाहर आ जाएगा ना घूम कर देना। मैंने घूम कर दिया है आशू का, तो पता नहीं मेरे घर वाले ना आ जाए बाहर। घूं की आवाज़ से आया, घूं की। तो यार आंसू मेरे सामने आ गया है, और अब मैं उससे हेलमेट ले रहा हूँ उधारी का। भाई हेलमेट दे दो। और ये है आंसू के हेलमेट के आगे फुनतुड़ो वाला सिस्टम, ये इसके आगे काफ़ी गोप्रो मतलब एकदम इजीली फिट हो जाता है। और बस, और ये कुछ आंसू, ये क्या है, ये क्या चीज़ है भाई? मेरे के साथ देहरादून नहीं जा रहा, मैंने साफ मना कर दिया। चल रहा तो चल ले। मेरे को तो पहचानते होंगे, मैं लोकल का ही हूँ यार। थैंक यू। आई थिंक वहाँ पर ना किसी की गाड़ी लगता है बंद हो गई है, देख लेते हैं जाकर क्या हुआ। तुम्हें भेजा था उन्होंने? ना ना। अरे यार सुनो अंकल जी, बुधवार है, मार्केट तो इधर भी बंद है। हाँ बंद है इधर भी। हाँ, और इधर तो बहुत दूर है फिर। हाँ काफी दूर है। प्लग वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है। आपका घर कहाँ है? वहाँ है देहरादून कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? वहाँ जाना मुझे कॉलोनी रस्सी वगैरह है तो धक्का लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तुम पे रस्सी नहीं है? रस्सी वगैरह पता, बाइक में तो गियर चेंज करने पड़ते हैं यार, बहुत दिक्कत होती है। बेटा पकड़ो, पटड़ी पकड़ो। छोटू छोटू मोहब्बत में हो क्या? हैं? अरे वो मार्केट बंद है ना, इसलिए नहीं है। अब जंगल पार ही होगा जो होगा। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं धक्का लगा लूँगा, ऐसा कुछ है नहीं। बस फर्क, बेटा मम्मी जी के पास जाओ जाओ। चलो मैं धक्का लगा दूँ। आप हैंडल सीधा रखना बस, यही है भाई, यही है। ठीक है अभी मिल जाएगा। तुम साथ में हो क्या चीज? अच्छा अच्छा। अरे मैं वहाँ से इसीलिए आया, मैंने कहा बूढ़े हैं कोई रुका हुआ नहीं था, तब आया मैं। ये है भाई, ऐसी सर्च मार लो यूट्यूब में दिख जाएगा। लो लो। अंकल जी पहले रोड में ले आओ एक बार। टुपला लटका दिया आपने, टुपला पहन लेते। हेलमेट हेलमेट। अंकल जी दिक्कत तो नहीं हो रही? मुझे हो रही है क्योंकि आप
आपकी गाड़ी ना भारी सी होगी, भारी सी, ऐसा लग रहा है ट्रक में धक्का लगा रहा हूँ। गाइज मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है यार, आपको भी कभी ऐसा मौका मिले लोगों को इम्प्रेस ना करो, खुद को इम्प्रेस करो, ऊपर वाला आपको देख रहा है। जैसे आज मैं हेल्प कर रहा हूँ, मुझे पता है ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेरी एक जगह ज़रूर हेल्प करेगा। लोगों से इम्प्रेस होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अपने के लिए करो, लोगों की मदद करना सीखो। देखना एक दिन इतनी मेहनत करो तो इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला जब तुम्हारा घड़ा फोड़ेगा ना तो तुम कहाँ से कहाँ होगे, इसलिए कभी नहीं शर्माना। वो देख लेगा, कर लेगा वो, है बाप रे। गाइस इस बाइक का नाम है हीरो पुच और इसका शायद कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई, इतनी हैवी चल रही ना मेरी तो बाप रे टांग ऐसी होगी। होपफुली वो दुकान में इसका काम हो जाए। हाय हाय है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं वो कर देता हूँ, उसे वहाँ तक छोड़ देता हूँ, ले जा लोगे, मैं जाऊँ ना पक्का। चलो ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। चलो गाइस फाइनली हो गया अंकल जी का भी, अब हम भी GoPro टेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस मैं घर आ गया हूँ और यार आगे का व्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई थी वहाँ पे मुकुमपुर के बाद, भयंकर पूरा गीला गीला हो गया मैं, खचपच। तो यार इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इस व्लॉग में इतना कुछ था नहीं, वैसे गया तो मैं जिस चीज़ के लिए था वो नहीं हो पाया। जैसे मैं गया फिर किस अंकल जी की गाड़ी में दिक्कत, फिर वहाँ पर खचपच, इतना ट्रैफिक, फिर आते हुए भी ये कैमरा ना जरा पता नहीं कब बंद हुआ, पता ही नहीं चला। और खैर मैं तब भी नहीं कर पाता व्लॉग क्योंकि बारिश हो गई थी।